अच्छा सो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर आगे देखिए कि चाय जो है वो फिनिश हो चुकी है। सो आई एम गोना मेक टी फॉर माई सेल्फ और फिर आई गेस मैं पराठे खाऊंगी, बट आई एम नॉट श्योर। आई वॉज थिंकिंग टू हैव समथिंग एल्स, बट लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। और आज के वीडियो की शुरुआत भी सुबह से ही हो रही है और यहाँ पर थर्सडे है और यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेना है एंड सेकेंड थिंग कि मैं दो तीन दिन से आई गेस मैंने अपना व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं किया था। फर्स्ट थिंग कि मैंने प्रॉपरली शूट ही नहीं किया वीडियोज़, जस्ट अप्स एंड डाउन्स आर गोइंग ऑन, सो दैट्स वाई मैंने प्रॉपरली शूट नहीं किया था। और उसके बाद मैंने जो भी थोड़ा बहुत शूट किया उसको मैंने एडिटिंग भी नहीं की थी, तो इस जैसे आई कुडन अपलोड ब्लॉग्स फ्रॉम 2 to 3 days। और ये वाला जो व्लॉग भी है ना वो 2 दिन का कंबाइन करके मैंने एडिटिंग की है एंड आई एम गोना अपलोड इट, क्योंकि कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है। ओके सो यहाँ पर है ना ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी जो सबसे पहले ना टू डू लिस्ट जो है उसको मैंने चेक कर लिया है। एक दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग जो मेरा प्रोजेक्ट है उस पर मैंने वर्क करना स्टार्ट नहीं किया है। मतलब मैंने सैटरडे को कर लिया था क्योंकि सैटरडे संडे जो है वो मेरी क्लास ऑफ होती है, सो इस वजह से स्टार्टेड ऑन सैटरडे। मैंने ऑलमोस्ट नहीं हाफ वर्क कंप्लीट कर लिया, इंशाल्लाह 2 दिन में आई एम गोना फिनिश ऑल ऑफ माय वर्क, डेडलाइन से पहले ही हो जाएगी। अच्छा उसके बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैंने पढ़ाई कर ली थी, बस थोड़ी देर के लिए ही क्योंकि क्लास जाने को अभी भी 10-15 मिनट बचा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मुझे राइटिंग वर्क बचा हुआ था मेरा, सो आई एम गोना फिनिश इट ऑफ और उसके बाद यहाँ पर आई एम गोना गेट रेडी फॉर माय क्लास, फेस वॉश करते हैं उसके बाद बस दैट्स इट। आई एम नॉट गोना डू एनी मोर स्टफ राइट नाउ ऑन माय फेस, जस्ट लेट्स गो टू द क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सो अभी मैं जस्ट क्लास से आई हूँ, आई वॉश्ड अप और सबसे पहले मैं लंच करूँगी और उसके बाद आई हैव ऑर्डर टुडे एज वेल, 5 बजे तक है, सो आई थिंक मैं तब तक लंच कर लेती हूँ, उसके बाद हम गोना स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माई ऑर्डर। ठीक है तो पहले किचन में जाके लंच करते हैं। अच्छा सो डिनर है ना हमने एक्चुअली बाहर से मंगवाया था बिकॉज मेरे भाई का ना 2 दिन से चिकन विंग्स खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो पहले दिन तो मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं घर का ही खाना खाना है, बट सेकेंड डे जो है ना जैसे तैसे जिद करके हमने मंगा लिया था बाहर से, सो चिकन विंग्स था एंड देन मैंने अपने लिए बर्गर भी ऑर्डर किया था। सो डिनर तो हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो ऑर्डर थे उसमें से मैं जब भी बनाती हूँ आई ट्राई टू मेक सम एक्स्ट्रा फॉर आर फैमिली मेम्बर्स एज वेल, और उस वक्त मैंने इसको ग्लेज नहीं किया था बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड, सो अब उस पर ना चॉकलेट वगैरह लगाते हैं एंड डार्क चॉकलेट इज़ माई पर्सनल फेवरेट वन, सो आई एम गोना फिल मोर ऑफ डार्क चॉकलेट और फिर अब हम इसे खाएंगे।
अच्छा जी, सो ये है ना, एक्चुअली मैंने बीच में 2 दिन स्किप कर दिया है और ये डायरेक्टली संडे का दिन है, तो आधा दिन तो मैंने बर्बाद कर दिया. बर्बाद एज इन मैंने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए थे, मैंने अपना पर्सनल काम कोई नहीं किया, फॉर एग्जांपल फॉर माय यूट्यूब या इंस्टाग्राम के लिए, और पढ़ाई वढ़ाई भी कुछ भी नहीं की. और फिर आधा दिन बर्बाद करने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यू नो, बहुत ज़्यादा बर्बाद कर लिया मैंने अपना टाइम. सो सबसे पहले मैंने शार लेने से शुरुआत की. शार लेने के बाद आई वॉज़ रियली फीलिंग वेरी गुड एंड फ्रेश, और उसके बाद फिर लंच कर लिया जल्दी से सबके साथ, एंड देन थोड़ी देर के लिए मैं बुक रीड करूँगी क्योंकि बुक है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इंटरेस्टिंग है, एंड काफ़ी हद तक मेरी फिनिश ऑलमोस्ट मतलब फिनिश हो चुकी है, बस थोड़ा सा पार्ट इसका बचा है. सो आई एम ट्राइंग टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल. और यहाँ पर है ना मेरा भाई मुझे एक न्यू अपनी जो बनाई हुई डेजर्ट है ना वो लाकर टेस्ट करवा रहा था, बिकॉज़ ही इज़ ऑन अ डाइट और वो जो अपना रेगुलर स्वीट चीज़ें वो नहीं खा सकता है. सो ही वॉज़ ट्राइंग टू मेक समथिंग फॉर हिम, तो उसने ना दही एंड प्रोटीन पाउडर एंड फ्रूट्स वगैरह को ऐड करके आई डोंट नो व्हाट डिड ही मेड, बट इट वॉज़ क्वाइट गुड. सो मतलब आई थिंक मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए. अच्छा जी, सो यहाँ पर है ना डायरेक्टली शाम का वक्त है और यहाँ पर मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, हम चाय पियेंगे और ये वाले व्लॉग को आई थिंक मैं यहीं पर एंड करूँगी. बट जो नेक्स्ट व्लॉग होगा आई एम गोइंग टू मेक इट काफ़ी ज़्यादा अच्छा, और ऐसे शॉर्टकट नहीं मारने वाली हूँ मैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई जस्ट होप यू लाइक दिस व्लॉग, और अगर पसंद आया तो डू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग. ओके, बाय बाय.